रोज एक कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां। कहानी नंबर 41, स्वजाति प्रेम। एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या बल बहुत ऊंचा था। रोज वो प्रातः आकर नदी में स्नान करते और नदी किनारे के एक पत्थर के ऊपर आसन जमाकर तपस्या करते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी, जहां उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथों में एक नन्ही सी चूहिया आ गिरी। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में उस चूहिया को दबाए उड़ी जा रही थी और संयोगवश चूहिया पंजों से छूट कर गिर पड़ी थी। ऋषि ने मौत के भय से थर थर कांपती चूहिया को देखा। ऋषि और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ऋषि दिलासा देते रहते थे। ऋषि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देकर माँ बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता। परंतु अपने मुंह से ये सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। ये भी सोचते रहते कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का ये अभाव दूर किया जाए। ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया। वो उस बच्ची को हाथों में उठाए घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागे, तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और ये बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी ही बच्ची तो है ये, इसे मैं पुत्री की तरह पालूंगी। इस प्रकार चूहिया मानव बच्ची बनकर ऋषि के परिवार में पलने लगी। ऋषि पत्नी सच्ची माँ की भांति ही उसकी देखभाल करने लगी। उसने बच्ची का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वे ये भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चूहिया थी। माँ तो बस बच्ची के प्यार में खो सी गई। वो दिन रात उसे खिलाने और उससे खेलने में लगी रहती। ऋषि अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का उसे दुख नहीं रहा। ऋषि ने स्वयं भी उचित समय आने पर कांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा ऋषि का स्नेह और शिक्षा प्राप्त करती कांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर, सुशील और योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ऋषि से कह डाला, सुनो, अब हमारी कांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी कांता वहां पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे। चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनि ऋषि, कहिए, आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूं कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता बोली, तात, ये बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चौंधिया रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूं, न कभी इनके निकट जा पाऊंगी न देख पाऊंगी। ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ हैं, वो मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल गरजते लरजते और बिजलियां चमकाते प्रकट हुए। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात, ये तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन, वो मुझे भी उड़ा कर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता हूँ। ऋषि ने फिर पवन का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए तो ऋषि ने कांता से ही पूछा, पुत्री, तुम्हें ये वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया, नहीं तात, ये बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी?
ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे। दामाद कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जिसे हम अपनी आँख से देख सकें। ऋषि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव बोले, ऋषिवर पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर आपने मुझे क्यों याद किया। ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूं क्या। कांता बोली, ओह ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मुझे भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी, तात तात मुझे ये चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। ऋषि ने मंत्र के बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों को खुशी खुशी विदा कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी के संस्कार उसमें बने रहते हैं, स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदले जा सकते। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।